और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। ये हमेशा शाहरुख खान मुझे एकदम विवादों में फंसाते जाएंगे, वो बोल के निकल जाते हैं, फिर मुझे आना पड़ता है उनको सपोर्ट करने के लिए। तेरा बाप है।